भाई। देख तुझे तो छोटा हाथी भी नहीं कह सकते, जब तू नाचती है तो भूकंप आता है। तू सूखे खजूर से शादी क्यों करना चाहती है भाई? कुछ मजा नहीं आया। नहीं, आ रहा है, आ रहा है। जैसे एक टेबल पर सड़े हुए अंडे का गोल ऑमलेट बनाया हो, उसे देख के साइंटिस्ट बोलेंगे कहां से एलियन की स्पेसशिप आ गई है भाई। स्पेशल फोर्स। सुमो पहलवान का जो पेट होता ना, उस पेट से बड़े तो तेरे गाल हैं। क्या गाल से ऐसी लड़की पटा सकता है? स्पेशल फोर्स, फोर्स कम पड़ रहा है। पता नहीं, मजा ही नहीं आ रहा। क्या हो गया इसको? मूली के पराठे खाके पेट में इतना गैस भर दिया है, गलती से फट गया ना तो बेसमेंट में ले जाके लोग तुझे इतना मारेंगे। थोड़ा अरे क्या, कब से मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। अरे इसके साथ मजा लाने के लिए किसी और को बुला। अभी कुछ बोला बाकी तो नहीं ना? दिखता है ना, मजा नहीं है, मजा नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो, खुद तो कुछ बोलता नहीं है, इसको बोलने देता नहीं है। मेरी जगह किसी और को बुला लो ना। तुझे क्या लगता है हम किसी का लेने चला सेल्फी, जिसे खानी नहीं आती कुल्फी? ये तो बहुत पुराना है, 2002 का है। चल बेटा तू सुना, तुम्हारी काली जुल्फे बिखरा दो तो अंधेरा हो जाए और मुंडवा दो तू। अरे इससे अच्छे शेर तो वो कल्पेश सुनाता है। मैं तेरी तरह स्मार्ट नहीं हूँ, समझा ना? पता चला ना, कॉमेडी करना कोई खाने का काम नहीं है, दिमाग चलाना पड़ता है, स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, पंच देना पड़ता है, रिएक्शन देना पड़ता है, टाइमिंग और राइमिंग सबका ध्यान रखना पड़ता है। कॉमेडी के बारे में और भी जानना है तो शानूर को और राजू कवा को पूछो। एक्सक्यूज मी, आपको नहीं लगता कि आप फालतू काम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं? हम बहुत बेशर्म हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो, ये शादी कैंसिल नहीं हो सकती। इसी बात पे कॉफी पियो। देख लिया, इतनी बेइज्जती किसी और की हुई होती वो 4 बार मर चुका होता, लेकिन ये तो इतना पक्का था, इसके हाथ में कच्ची कैरी दे दो, 2 सेकंड में आम बन जाएगा। भाई तेरी शादी तोड़ना, वो भी इसकी डायनासोर के साथ, मेरे बस की बात नहीं है। कॉफी कड़क ना, कॉफी रख, कॉफी रख। शबनम जरा हटो। क्यों? मैंने कहा हटो। ओके। पीपी अंकल, आप जानना चाहते हैं ना कि ये शादी मैं क्यों कैंसिल करना चाहती हूँ? अब भी बताती हूँ। आई लव यू श्रवणु, आई लव यू बेबी, लव यू। अब दोनों शादियां कैंसिल। ये क्या भाई, जब हड़ताल शुरू की थी तब सिर्फ हम ही दोनों थे, अब हमारे साथ इतने सारे लोग हैं और हमने उनके लिए व्यवस्था भी की है, लेकिन ना कोई रेडियो वाले आए, ना कोई न्यूज़पेपर वाले, ना कोई चैनल वाले, अरे लोकल चैनल वाले भी नहीं आए यार। मुझे ऐसा लग रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ टाइम पास करने बैठे हैं और मजे कर रहे हैं। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है भाई। कहो तो एक ग्लास जूस पी के हड़ताल तोड़ के घर चले क्या? ए, कब से देख रहा हूँ दूध पीते बच्चे की तरह घर चलो घर चलो घर चलो लगा रखा है। मेरी बात सुन, ये हड़ताल तब खत्म होगी जब हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी, तब तक ठंडा ले। वैसे मेरी आत्मा फुदक फुदक कर कह रही है कि जल्द ही कोई चमत्कार होने वाला है। अकेला आपको अकेला नहीं छोड़ेगी, हमेशा साथ देगी। मैंने कहा था ना मेरा मन फुदक रहा है, देख सब फुदक रहे हैं। वैसे ही औरत है कौन? ये मर्दों के घर में आग बुझाती है यार। अरे ढीले, ये नेशनल मेन सिक्योरिटी काउंसिल की हेड है मैडम अकेला देवी। जब मर्द किसी नारी का शिकार होता है ये अपनी ताकत से बचाती है। अरे, इन्हें देने के लिए गुलाब क्या गोभी का फूल भी नहीं है? अरे ओढ़ने के लिए शॉल या सूंघने के लिए फूल इनको पसंद नहीं है। बिरयानी का कटोरा पड़ा दे दूं? ये बिरयानी की भूखी नहीं है मैडम, हमें तो लड़कियों ने लूट लिया है, आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ओ, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। मेरे पास भी कुछ नहीं है। ओ, तुम्हारे लिए भी मैं हूँ ना। मैं पहले ही कह दूँ,
मुझे इन फूलों गुलदस्तों में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे देखते ही आप सब खड़े हो गए, यही काफी है। मैडम जी, अब तक इनकी शक्ल ऐसे सड़ी हुई थी जैसे सगा और सौतेला दोनों बाप मर गए थे। शांत हो जाओ, आइए आइए बीच वाली जगह खाली बैठते हैं। इंडिया में बनारसी पान रहेगा तब तक अकेला मैडम आपका नाम रहेगा। अकेला मैडम की जय हो। क्या बात है, वाह वाह, आप इतनी अच्छी हो कि आपकी बाहों में मतलब आपके चरणों में आराम से सो जाऊं। तो राइट में तू रहना, लेफ्ट में मैं रहूंगा। मेरा हाथ पकड़ के हिम्मत दो। मैं भी आपका हाथ पकड़ के। देखो लड़ो मत, मेरा राइट और लेफ्ट, ईस्ट और वेस्ट, सब कुछ तुम्हारा है। सॉरी मैडम, सॉरी। हम भूखे बैठे थे, हमारे पेट में आग लगी थी, फिर भी कोई नहीं आया। आपके आते ही मीडिया तो आ गई, लेकिन किलो के हिसाब से माइक और वैन लेकर आ गए हमें स्टार बनाने के लिए। ये है आपके पावर की शक्ति। तो मैम, हम अबला मर्दों की तकलीफ पूरी दुनिया के सामने रख दीजिए प्लीज। बिल्कुल। नमस्कार मैडम। कम से कम मैं इन मर्दों के भूख हड़ताल को समर्थन क्यों दे रही हूँ, यही ना? जी हाँ। इन बेसहारा मर्दों को मैं सहारा नहीं दूंगी तो कौन देगा? सर, भूख हड़ताल ने जोर पकड़ लिया है, पूरी की पूरी मीडिया भी आ गई है। हमें यहाँ पर और फोर्स चाहिए सर। सर, मेरे पास आपके लिए एक और अच्छी खबर है। नेशनल मेन सिक्योरिटी काउंसिल के हेड अकेला मैडम यहाँ पर खुद मीडिया से बातें कर रही है सर। हेलो हेलो सर, इस इंटरव्यू के जरिए इस देश की सारी लड़कियों और नारियों को मैं आगाह कर देना चाहती हूँ, तुम लोग इन मर्दों के सामने झुकने के लिए तैयार हो जाओ, वरना अगर इन मर्दों का मामला मैंने अपने हाथों में ले लिया तो तुम सबका पत्ता कट। मैडम एक फोटो प्लीज। उस भूख हड़ताल को अकेला मैडम का तो साथ मिल ही गया था, लेकिन मुद्दा ये है कि वासु और श्रवण ने ये भूख हड़ताल शुरू ही क्यों किया। चलो पता करते हैं। श्रवणु, मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बाबू बोलो ना। ये जो तुम्हारा दोस्त वासु है ना। अरे वाह, इसकी उम्र बहुत लंबी है। हाँ भाई बोल। भाभी के साथ डेट पर गया है ना। सही समझा। मैं उसका इंटरव्यू लेने की तैयारी कर रहा हूँ, समझा? मैं रास्ते में हूँ, तब तक तू उससे बात कर ले। अच्छा तुम क्या कह रही थी? तुम्हारा दोस्त वासु ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों पता नहीं, अभी तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद जरा तुम उससे दूर रहना, बस इतना ही कहना था। अरे ऐश्वर्या, पहली बार में तो मुझे भी वो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन एक बार जाना तो पसंद आने लगा। एक बार तुम उसे जान लोगी ना तो तुम्हें भी वो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत सीरियस हूँ, लेकिन शायद तुम्हें ये मजाक लग रहा है। खैर छोड़ो, मैं चलती हूँ। ऐश्वर्या, वासु तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है, दो मिनट के लिए रुक जाओ प्लीज। प्लीज क्या बंटिया, मैंने जो बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ ना। बैंगन का भरता सैंडविच में डालेगा तो मजा आएगा। ये स्पेशल डिश है, सबको खिलाते रहे, रातों रात फाइव स्टार का मालिक बन जाएगा। हाँ बंटिया चल, किसी का इंटरव्यू लेने आया हूँ, सॉरी बहुत इंतजार करवाया। और क्या, पिछले 10 मिनट से वेट कर रहे हैं। 10 मिनट क्या, 10 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि तेरा भाई बहुत बड़ा है, इसीलिए अपने पैरों पर खड़ा है। भाई तू कुछ खाएगा क्या? अरे भाई मुझे रिश्वत दे रहा है क्या? इंटरव्यू लेने के बाद ही खाऊंगा, तो क्या आप तैयार हैं? इंटरव्यू? श्रवण ये क्या बक रहा है? अरे कुछ भी नहीं, बस ये 2-4 सवाल पूछेगा, पता नहीं उसको इंटरव्यू क्यों कह रहा है। तुम्हें बताया था ना बहुत मजाक किया ये। तो शुरू करें? जल्दी, जो पूछना चाहते हो जल्दी पूछो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। सवाल नंबर 1। भाई प्लीज आसान वाला पूछना। जैसा कि तुमने कहा श्रवण तुम्हें पहले पसंद नहीं था, लेकिन उस रात दारू पीने के बाद तुम्हें ये अच्छा लगने लगा, तो मैं ये मान लूं कि वो प्यार नहीं था, बस दारू का नशा था जिसमें प्यार हो गया और तुम इसका फायदा उठाना चाहती हो। क्या फायदा? फायदा उठाने से तुम्हारा क्या मतलब? हाँ फायदे का मतलब होता है। एक सेकेंड, जब पसंद नहीं था तो मैंने कहा पसंद नहीं है, लेकिन अब पसंद है तो मैंने कहा पसंद है, दैट्स इट। एंड वन मोर थिंग, चाहे मैं बियर पीऊं या वोडका पीऊं या कुछ और पीऊं, उससे तुम्हारा क्या मतलब? ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसमें दखल देने वाले कौन होते हो? तुम दारू पियो, पानी पियो या गौमूत्र पियो, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। सवाल नंबर 2, क्या तुम्हें मेरा दोस्त शादी के बाद अच्छा नहीं लगा तो उसे डिवोर्स दे दोगी क्या? वो डिपेंड करता है कि उसके दोस्त कौन है। पता था, आजकल तो लड़कियां अपने पार्टनर ऐसे बदलती हैं जैसे कपड़े बदलती हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, अगर तुम्हारी श्रवण की फैमिली से पटी नहीं तो दूसरे घर में रहोगी? ये तो इसकी फैमिली पर डिपेंड करता है। लड़कों को शादी के झांसे में फंसाओ, फिर शादी के बाद माँ बाप से दूर कर दो, लड़कियों को यही तो आता है। नेक्स्ट
शादी कितने तरीके से होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, कार्ड्स कैसे छपेंगे, साड़ियाँ कौन सी होंगी, खाना क्या बनेगा, पंडित कौन आएगा, हनीमून पे कहाँ जाएंगे, इन सारी बातों का फैसला मुझसे पूछने के बाद ही किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि हनीमून पर मैं भी आऊँ, अपनी बीवी के साथ नहीं, अकेला। मैं श्रवण की फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। तुम भी ये मानोगी ना? बकवास बंद करो, मैं ये सब नहीं मानने वाली। मैं तुम्हें अपनी शादी या हनीमून या किसी भी और चीज के बारे में क्यों बताऊं? ये सब मेरे और श्रवण के बीच का पर्सनल मैटर है, समझ गए तुम? अगर मुझसे एक और सवाल पूछा तो मैं तुम्हारी जान। बस बहुत हुआ, हो गया। इंटरव्यू 100 में से 5 नंबर मिले हैं, यू आर फेल। 5 नंबर भी इसकी वजह से दिए हैं, अगर ये नहीं होता ना तो बड़ा सा अंडा देता। This is too much. फेल हो गई ना तो यहाँ क्या बैठे हो, घर जाओ ना, जाकर अपना मेकअप निकालो। गो 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 गो। क्या समझते हो तुम अपने आप को? श्रवण इससे कहो कि ये यहाँ से सटक ले, वरना मैं भूल जाऊंगी कि ये पब्लिक प्लेस है और मार मार के मुंह लाल कर दूंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? अभी इसे जाने के लिए बोलोगे या नहीं? भाई एक काम कर दे, घर चल के कॉफी पीते हैं। कॉफी तो यहाँ भी मिल सकती है, क्या हम घोड़ों के तबेले में बैठे? घोड़े तो नहीं है ऐश्वर्या। क्या 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 है? समझ गया भाई। क्या हुआ है? तू तो ऐसे डर रहा है जैसे टीसी बस में चढ़ गया और तूने टिकट नहीं लिए। देख मेरे दोस्त, मैं जो कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मान ले कल छोड़ के चली गई या डिवोर्स ले लिया तो फिर तो रोते हुए मेरे पास ही आएगा ना, और हाँ मैडम दूसरी लड़की आप ढूंढ के लाएंगी। ए वासु, चल निकल यहाँ से। तूने क्या बोला, निकल यहाँ से? बचपन से लेकर आज तक जब भी मदद चाहिए होती थी बचाओ बचाओ कह के मुझे पास बुलाता था, और आज प्यार की वजह से दोस्त दोस्त ना रहा। ठीक है बोल तू क्या कह रहा था। हमारे बचपन की दोस्ती आज खत्म, निकल यहाँ से। तो दोस्ती की नाव डूब गई? सुना नहीं तूने, बचपन की दोस्ती आज से खत्म। अब तो खुद यहाँ से जाएगा या सिक्योरिटी वाले को बुला के धक्के मरवाऊ। मैंने सुना था प्यार अंधा होता है, पर तूने साबित कर दिया दोस्ती अंधे का पप्पा होती है।